इस वक्त हम मौजूद हैं बाइनेंस के स्टॉल पर और हमारे साथ मौजूद हैं रोहान आसिफ साहब जो कम्युनिटी मैनेजर हैं बाइनेंस पाकिस्तान के, इनसे बात कर रहा हूं। रोहान, वालेकुम अस्सलाम। तो रोहान, टेल अस समथिंग अबाउट बाइनेंस पाकिस्तान और इसमें लोगों के कोई बेसिक नॉलेज दीजिए। बिल्कुल, तो बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो आपको फैसिलिटेट करती है सारे तमाम कॉइन्स जो हैं हमारे लिस्टेड हैं हमारे एक्सचेंज पे वो करने पे। और अगर कोई नया बंदा आता है वो सीखना चाहता है तो हमारा उसके पास एक बाइनेंस एकेडमी का सेक्शन मौजूद है जिसके अंदर हमारे हाउ टू गेट स्टार्टेड विद बाइनेंस की क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, बिटकॉइन क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इस हवाले से तमाम मालूम मौजूद है। अच्छा, आप जो आपके स्टॉल पे कुछ चीज़ें हैं आप मुझे कह रहे थे कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो आइए चल के कुछ देखते हैं, मुझे विजिट कराइए। तो ये हमारे स्टॉल, हमने बाइनेंस के पाकिस्तान में अगर आप देखें आईटीसी इन एशिया कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े पैमाने पे हमारा ये स्टॉल है और ये सबसे मुनफरिद है तमाम बाकी स्टॉल जो आप यहाँ देख सकते हैं। बाइनेंस के हमारे पास कुछ मर्चेंडाइज हैं, आए मैं आपको दिखाऊँ। हमारे बाइनेंस के कुछ मर्चेंडाइज अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें, बाइनेंस के बैग हैं, पाम्फलेट्स वगैरह हैं जो हम लोग कम्युनिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमारे एंजल्स हैं, अमेजिंग इनका काम है, दिन रात सपोर्ट करते हैं 24/7 टेलीग्राम कम्युनिटी पे। आइए मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, आइए कर हमारी कम्युनिटी। अच्छा, हमारी कम्युनिटी के लिए हमने एल बार लगाया है। ये क्या है कि एक पुलअप बार है, हमारी कम्युनिटी आए देखे थोड़ी देर, जितनी देर वो होल्ड करेंगे उनके लिए एक रिवॉर्ड है। मर्चेंडाइज भी आप ले सकते हैं, BUSD वाउचर्स हैं, P2P के वाउचर्स हैं और सबसे अच्छी बात जो स्टॉल पर हमारे आएगा उनको फ्री NFT भी मिलेगा। उसके अलावा ये डार्क गेम का इंतजाम किया गया है, मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए हैं। अगर आप BNB पे हिट करते हैं तो आपको एक मर्च मिलता है एंड बुल्स आई पे अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। ओके, तो बस ये हमारा एक बास्केटबॉल का सेटअप किया गया है यहाँ हमारी कम्युनिटी के लिए। अगर आप आए हैं सीखना चाहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसीज क्या है और उसके साथ आप चाहते हैं थोड़ा रिफ्रेशर के तौर पे कोई एक्टिविटी हो तो ये बास्केटबॉल का इंतजाम किया गया है जिसपे आप अगर 30 सेकेंड्स दो तीन शॉट्स का आपको मौका मिलता है। फर्स्ट पर आपको एक बाइनेंस मैच मिलता है, सेकंड पे एक वाउचर भी मिलता है और तीसरे में आप NFT से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। उसके अलावा ये है डार्ट गेम जिसपे आप BNB पे अगर हिट करते हैं P2P वाउचर्स हैं और ये हमारा एक पुल अप बार है जो सबसे है खास क्योंकि कम्युनिटी में जो बिल्डर्स अपने आप को हम कहते हैं क्रिप्टो के अंदर भी कितना आप में जोश है वो पता चलता है इधर 60 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं अगर आप करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ हमारे मर्च और खास चीज़ें मिलती हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा जो सबसे मुनफरद चीज़ है स्टॉल के बारे में, आए जरा। वॉल है जिस पे बहुत ही मुख्तलिफ लोग ले रहे हैं आके एंगेज कर रहे हैं कम्युनिटी से। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लगाना चाहते हैं कुछ और मुनफरिद नजर आना चाहते हैं तो आई थिंक इससे बेहतर कोई स्पॉट नहीं होगा हमारे लिए। सो रोहान, ये तो बहुत ही अमेजिंग आपने इंस्टॉल इस दफ़ा बनाया है। ITC नीचे के हवाले से कुछ बताइए कि ये कैसा वेंचर है, इस पर कितना इस किस्म के इवेंट्स कितने होने चाहिए पाकिस्तान में, होते तो रहे हैं लेकिन अभी बीच में कोविड की वजह से दो ढाई साल का गैप आ गया था, कुछ अपने ख्याल का इजहार कीजिए। बिल्कुल, ITC एशिया आई थिंक ये बहुत बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप देखें IT जो है पूरी दुनिया में बूम कर रहा है, आने वाला फ्यूचर इसका है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको सिर्फ क्रिप्टो का ही बता दूं तो पाकिस्तान में हम रैंक करते हैं ऑलमोस्ट 3rd ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, यानी पाकिस्तान में इतनी मकबूलियत है क्रिप्टो की कि इतने तेज़ी से लोग आ रहे हैं पूरी मार्केट्स के अंदर। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका मकसद ये है कि आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, लोगों को पता चले जैसे आप आए कि प्रोडक्ट है क्या। एटलीस्ट हम ये नहीं कहते किसी को कि आप इन्वेस्ट करें डायरेक्टली, आप सीखें, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है और आप इस सेंस से कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इन दी एंड जो आपको पता है कि आने वाला फ्यूचर है और हमारी जैसी कंट्रीज जो डेवलपिंग है जिनको इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा इससे मुस्तफीद हो सकती हैं। आप इसकी एल सेल्वाडोर की अगर एग्जाम्पल लें, उन्होंने लीगल टेंडर बनाया, उस कंट्री को अब पूरी दुनिया जानती है और सब उसके जो बिटकॉइन के नेटिव्स हैं वो इसकी तारीफ़ करते हैं और वो चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमारे CEO भी उनके पास गए हैं, उनके प्रेसिडेंट के पास। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास ये इतना बेहतर मौका है कि अगर वो अवेल कर ले इन IT शोज़ जो हो रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट है, इतना क्राउड है और अगर पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाए तो आई थिंक हम अपना कर्ज़ा तो ज़रूर उतार ही देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू रान, थैंक यू सो मच, थैंक यू।